देश में कोरोना संकट के हालात अब सुधर रहे हैं। भारत में करीब 50 दिन बाद एक दिन में सबसे कम नए केस रिकॉर्ड किए गए, जबकि मौतों की संख्या में अभी उतार चढ़ाव जारी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,52,734 नए केस सामने आए, जबकि 3,128 कोविड मरीजों ने दम तोड़ दिया। भारत में लगातार नए मामलों की संख्या में कमी आने से पॉजिटिविटी रेट घटने लगा है और रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से स्वस्थ होने वालों की राष्ट्रीय दर अब लगभग 91% है, जबकि देश में फिलहाल 20 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में अब 15 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सरकार समीक्षा करने के बाद कुछ जिलों में ढील देने पर विचार करेगी। बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना से नए मामलों की संख्या 20,000 से कम हो गई है। 24 घंटे में 18,650 नए केस सामने आए, जबकि करीब 400 मरीजों ने जान गंवाई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट पर नियंत्रण पाने के लिए टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया गया है। अब यूपी के 75 जिलों में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण कराया जाएगा। यूपी सरकार गरीबों के वैक्सीनेशन पर जोर देगी। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक 15 जून से सभी 75 जिलों में गरीबों के लिए अभियान चलाया जाएगा। भारत की तरह अब दूसरे देशों में कोरोना के केस दोबारा देखने को मिल रहे हैं। अब चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के 16 नए मामलों की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि नए संक्रमितों में शामिल दो अधिकारी स्थानीय तौर पर संक्रमण की चपेट में आए हैं। बता दें, चीन में अब तक कोरोना वायरस के 91,061 मामले सामने आए हैं और 4,636 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मामले थम गए और जिंदगी दोबारा पटरी पर आने लगी। लेकिन अब दोबारा करीब 16 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना की तमाम डराने वाली खबरों के बीच थोड़ी सी राहत भरी खबर सामने आई है कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने कोरोना को हरा दिया है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। हालांकि चिंता की बात यह है कि उनकी पत्नी अभी भी आईसीयू में भर्ती है। कुछ दिन पहले मिल्खा सिंह कोरोना की चपेट में आए थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने इलाज के बाद जिंदगी की दौड़ जीत ली है।